Hey guys, welcome back to my channel Passing Milestones. This is Manu and today I am in Luxor. Hi. Welcome to Luxor. Luxor South Egypt का एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है. Luxor वर्ल्ड के सबसे बड़े ओपन एयर म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक मॉडर्न सिटी के साथ साथ यहाँ एंशियंट और बेहद स्टनिंग आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है. हम लक्सर आज शाम को पहुंचे और सोचा क्यों ना रिवर नाइल के आसपास से सनसेट एंजॉय किया जाए. सिटी की वाइब काफी कूल थी. लग रहा था कि हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग यहाँ सनसेट एंजॉय करने आए हैं. यहाँ पर अगर आप है ना तो फलाफल सैंडविच इज अ गुड ऑप्शन. सो ऐसा कुछ कटलेट जैसा होता है फलाफल. सो ब्रेड के अंदर जब वो फलाफल को इसे डाल देते हैं अलॉन्ग विद सम सैलेड एंड क्यूकम्बर एंड टोमेटो एंड व्हाटएवर, तो ये बन जाता है फलाफल सैंडविच विच इज रियली टेस्टी. एंड ये आपको मिलेगा सिर्फ 5 इजिप्शियन पाउंड, दैट मीन्स 15 रुपीज का. So guys, after the sunset we came here to the local market. This is called tourist market. यहाँ पे people overcharge obviously. So you have to bargain if you want to buy anything. We are not buying anything because everything is overpriced. But yeah, good place to chill around. And there are so many things that they sell here. Like there are so many souvenirs, fridge magnets, local spices. They have flowers dried up. They have incense sticks and a lot more. I think this is an interesting place to just absorb some culture. अगर मुझसे पूछा जाए तो इस मार्केट में मेरी फेवरेट जगह थी लैंटर्न शॉप. यहाँ के लोग अपने घरों में ऐसे ट्रेडिशनल लैंप्स लगाना पसंद करते हैं और ये दुकानें जहाँ लैंटर्न्स बिकती हैं, ये दुकानें बहुत ही सुंदर और रॉयल लगती हैं. किशन, व्हाट आर यू वेयरिंग? You're wearing jalabiya. And how are you feeling? वैसे तो यहाँ की लोकल मार्केट रात के 1 बजे तक खुली रहती है, लेकिन हमें जल्दी जाना था क्योंकि अगले दिन सुबह 4 बजे हमने अपने लिए कुछ स्पेशल प्लान किया था. लक्सर में अभी तक हमें बहुत मजा आ रहा था. और एक चीज और, एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमें आज रात को देखने के लिए मिली वो थी एक इजिप्शियन वेडिंग. This is 4 AM. यहाँ पर हमने एक हॉट एयर बलून राइड बुक करी है. सो हमें 4 बजे अपने होटल रूम से पिक किया गया था. दे हैव ड्रॉप्ड अस एट अ पोर्ट एंड नाउ वी आर टेकिंग अ फेरी टू गो टू द वेस्ट बैंक, क्योंकि अभी हम ईस्ट बैंक में हैं एंड जो हॉट एयर बलून राइड है वो वेस्ट बैंक में होती है. सो यार, लेट्स गो फॉर द हॉट एयर बलून राइड. दिन की शुरुआत काफी जल्दी हुई बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला हॉट एयर बलून राइड था. Thank you.
बलून राइड, वी आर हॉट एयर बलून राइड, वी आर हियर नियर द फेमस कार्नक टेम्पल. ओ लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट द बलून राइड. इट वॉज अमेजिंग क्योंकि हम सुबह 4 बजे उठ के वहाँ पर गए एंड बिल्कुल अंधेरा था, सनराइज हमारे सामने हुआ एंड ऊपर से जो नीचे पूरा सिटी का व्यू था, लक्सर सिटी का व्यू था, द माउंटेन्स, द मॉन्यूमेंट सब ऊपर से दिख रहे थे एंड दैट वॉज काइंड ऑफ नाइस. वी रियली इन्जॉयड आर टाइम देयर एंड नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ द कार्नक, फेमस कार्नक टेम्पल एंड लेट मी जस्ट टेक यू इनसाइड. Guys, this place is insane. आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है, लुक एट दीज ह्यूज पिलर्स. ये इतना ऊंचा पिलर कैसे कार्व किया, कैसे ये एक सिंगल पीस है या फिर ये जुड़े हुए हैं एंड जो ऊपर इनके ऊपर बहुत भारी भारी रॉक्स रखे हुए हैं वो सालों से ऐसे ही रखे हुए हैं, लाइक 4000 ईयर्स से ऐसे ही रखे हुए. वॉट इज़ द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट? आई मीन दिस प्लेस इज सच अ मास्टर पीस फॉर द टाइम इट वॉज बिल्ट दैट आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस प्लेस. इस मंदिर को बनाने में 1000 साल से भी ज्यादा समय लगा. बहुत से किंग्स आए और रूल करके चले गए पर पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ का काम चलता रहा. गाइज दिस प्लेस इज सो ग्रैंड, इट इज सो ह्यूज दैट इट इज वेरी हार्ड टू इमेजिन दैट दिस इज मैन मेड. The kind of engineering that I see here is has blown my mind. Has really, really blown my mind. अब तक शाम हो चुकी थी, लेकिन लक्सर का सूरज डूबने से पहले एक जगह अभी बाकी थी. Okay, Jashan, take us to the mummification museum. Only 100 pounds. Guys, you can also go to the mummification museum which is here in Luxor. So mummification ka jo pura process hai wo is museum mein bataya gaya hai and the fees to get inside is just 100 Egyptian pounds. So this museum is really a very interesting place. जैसे mummification किया जाता था उसका पूरा process समझाया है and in fact एक real mummy अंदर place भी की हुई है for people to see. जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसे है कि जैसे किसी की डेथ होती थी तो दे यूज टू कट हिज बॉडी फ्रॉम द साइड ऑफ द एब्डोमेन एंड दे यूज टू टेक आउट द स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन एंड लंग्स ऑफ दैट पर्सन. दे यूज टू प्रिजर्व दीज 4 organs इन 4 different jars. दे यूज टू ऑल्सो टेक आउट द ब्रेन ऑफ अ पर्सन एंड वो जो खाली स्कल होता था ब्रेन निकालने के बाद दे यूज टू स्टफ इट विद द लिनन क्लोथ. Then they used to dip the body, the dead body into some liquid, they call it resin, जिसकी वजह से वो हजारों सालों से अभी तक भी प्रिजर्व्ड है और वो डिके नहीं हुई है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज. सो इन फैक्ट जो पूरा प्रोसेस इनके स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ था, दे हैव परफॉर्म द सेम ममिफिकेशन प्रोसेस ऑन अ फ्यू एनिमल्स.
सो देयर इज अ गोट, अ बबून, क्रोकोडाइल, कैट एंड ऑल दीज एनिमल्स, उनकी ममीज भी अंदर प्लेस की गई हैं. सो या दिस इज अ लिटिल अबाउट द ममीफिकेशन प्रोसेस एंड हाउ द होल थिंग यूज टू टेक प्लेस. आई रियली फाउंड इट इंटरेस्टिंग क्योंकि 2000 साल पहले उनके पास क्या वो लिक्विड था, क्या वो तरीका था, एंड हु टोल्ड देम कि ऐसे करने से एक डेड बॉडी को 2000 साल तक प्रिजर्व किया. 2000 साल भी नहीं, बिकॉज अभी तो वो है, प्रिजर्व्ड ऑलरेडी है, और आगे पता नहीं कितने सालों तक वो यहाँ पे रहेगी. सो आई थिंक ये तो लाइफ टाइम प्रिजर्वेशन हो गया ऑफ अ डेड बॉडी. वेर एग्जैक्टली डिड दे गेट टू नो कि ये प्रोसेस होता है, ऐसे ममीफाई किया जाता है? आई मीन ऑल दीज थिंग्स bring so many questions in your mind, but yeah, that is the reason Egyptian history is mysterious. तो ये थी हमारी जर्नी इन द ब्यूटिफुल टाउन ऑफ लक्सर. रुकिए रुकिए, अब भी जाइए मत, ब्लूपर्स अभी बाकी है मेरे दोस्त. Hey guys and welcome back to my channel Passing Milestones. This is Manu and I am right. Guys, after the balloon ride, अच्छा let me first tell you कि balloon ride कैसी रही? बहुत ही ज़्यादा amazing थी. Start. दोबारा. Bye. 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 Bye.